राहुल गांधी के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। भारत के लोग जानते हैं कि अखंड भारत के टुकड़े करने में किसका योगदान था। पार्टी के नेता राहुल गांधी जी इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। भारत के लोग जानते हैं कि अखंड भारत के टुकड़े करने में किसका योगदान था। सत्ता की लिप्सा ने, महत्वाकांक्षा ने भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। सब जानते हैं कि नेहरू जी की सत्ता की महत्वाकांक्षा, जिन्ना की सत्ता की महत्वाकांक्षा ने भारत के टुकड़े किए। आज भारत के टुकड़े करने वाले जोड़ने की बात करते हैं तो हास्यास्पद है, इतना भी करें। लेकिन जब वो यात्रा पर निकले और वो किसी अमर बलिदानियों के अपमान की बात करते हैं तो ये देश में कांग्रेस की ओछी राजनीति को प्रेरित करता है, दर्शाता है। वीर सावरकर जी को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की है वो उनकी अपरिपक्वता तो है ही, लेकिन शायद उन्होंने भारत का वो उजला इतिहास नहीं पढ़ा। उन अमर बलिदानियों के प्रति कांग्रेस के लोगों का अपमान करने की फितरत हमेशा से रही है। उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी की है ये याद आता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए, जिन्होंने 370 के हटने का विरोध किया, जिनको तिरंगे से कोई सरोकार नहीं, संविधान से सरोकार नहीं, वंदे मातरम से सरोकार नहीं, और तो और राम सेतु के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि राम काल्पनिक पात्र थे। तो ये समझ में आता है कि राहुल गांधी वंशवाद की उस विलासिता के प्रतीक हैं जिन्होंने न संघर्ष किया, न देखा, न पढ़ा, न समझा। और स्वाभाविक है कि उनकी नजर में जब अकबर महान हो सकते हैं तो सावरकर जी के प्रति उनका श्रद्धाभाव कैसे जागृत होता।